रात में यार बाइक चलाने की बात ही अलग है। अब यार रात में राइड करने का ना यही फायदा होता है, अब समझ में आया मुझे। क्या है ये सब? ये यहाँ की एयरकॉट की फेमस लेक है। चलो भाई जय श्री राम। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग इट्स पीयूष एंड वेलकम टू द चैनल। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और अपन जा रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे लॉन्ग ड्राइव पे, और तमिलनाडु जा रहे हैं जो आज तक अपन ने अभी तक एक भी ट्रिप नहीं करी है वहाँ, बट हाँ आज मज़ा आएगा, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। बाकी डेस्टिनेशन से ज़्यादा अच्छा तो ना राइड पर बहुत मज़ा आने वाला है। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कितना दूर है सब बताता हूँ, चलो चलते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज अपन चल रहे हैं एयरकॉट, जो कि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, पूरा हिली एरिया है, तो बाइक चलाने का जो एक्सपीरियंस होने वाला है आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सीधा रूट है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो अपन सिल्क बोर्ड से टर्न लिया, ई सी टी के फ्लाई ओवर पर चलते गए, फिर ई सी टी के फ्लाई ओवर के बाद सीधा हाईवे कनेक्ट कर लो। बैंगलोर से 230 to 240 किलोमीटर्स पड़ता है, बट अपन जा सकते हैं अगर लॉन्ग राइड पर थोड़ा जाना है कि यार थोड़ा सा स्टेट के बाहर चलते हैं, मज़ा आएगा। रात में यार बाइक चलाने की बात ही अलग है, मतलब जो सुकून मिलता है, एक तो क्या फोकस क्लियर रहता है, पूरा अंधेरा रहता है और ज़्यादा शोर नहीं होता, ज़्यादा मतलब गाड़ियाँ नहीं होती रोड पे, बस भगाते चले जाओ, बहुत मज़ा आता है। बाकी चलो भगाता हूँ, कुछ मिलेगा तो बताऊँगा। कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, और मुझे नहीं पता आपको दिख रहा होगा कि नहीं, फॉग है यार गंदा वाला। रात में बाइक में जाने में यार मज़े भी हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा होता है यार, मतलब इतना विजन है बाइक में, मैंने अलग से फॉग लाइट भी लगा रखी है, जब सामने वाले से जो आती है ना गाड़ी उसकी लाइट जब आँखों पर उड़ती है तो कुछ नहीं दिखता यार। ठीक है यार निकाल लेंगे, यही है एक्सपीरियंस, सीख लेंगे कर लेंगे हो जाएगा। अभी अपन ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, आई थिंक इतना ही और रह गया होगा, 10-15 और ऊपर नीचे मान लो। मैं सोचा था यहाँ रुकते हैं, बट फिर पीछे बोर्ड देखा धर्मापुरी, तो अपन वहीं पे रुकते हैं, और मतलब 25 किलोमीटर और है, मस्त वहाँ आराम से रुकेंगे, थोड़ा बड़ी सिटी भी है, देखते हैं कुछ खाने पीने को मिल जाए। बाकी तो यार जो मज़ा आ रहा है यार, मतलब यार रात में राइड करने का ना यही फ़ायदा होता है, अब समझ में आया मुझे। रात में क्या होता है कि अपन को कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बनता है और रुकने का उतना ज़्यादा मन नहीं करता, क्योंकि उतनी जगह भी नहीं मिलती, तो मस्त भगाते चले जाओ, जल्दी रास्ता कवर होता है। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लाइक जब अपन एक्सपीरियंस करते हैं तब समझ में आती है। लॉन्ग राइड अगर जा रहे हो ना तो क्या करो कि जल्दी थोड़ा रात में निकल जाओ, 2-3 बजे तक अगर कंफर्टेबल हो तो। ये नहीं कि मैंने कहा तो चलो भाई, पीयूष भाई ने कहा है तो अब तो अपन रात में निकलेंगे, और फिर रात में कहीं मतलब लाइक सीन नहीं बैठ रहा है, डर लग रहा है, कुछ भी सीन है कि कंफर्टेबल नहीं है, और बैठ के फिर कमेंट सेक्शन में मुझे गाली पक रहे थे। म्यूजिक अगर कंफर्टेबल हो तो ही करना, वरना कोई बात नहीं यार, छोटी छोटी ट्रिप को रात में कन्वर्ट करो, देखो जैसे पहले 5 बजे 4 बजे, फिर जब कंफर्टेबल हो जाओगे उसके बाद कर सकते हो। जैसे चाय पीने रुका था यार, यार थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, मतलब अगर बाइक चला रहे हो तो मैं प्रेफर नहीं करता कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा आप एक बार में चलाओ, बट अलग अगर सुपर बाइक है तो अलग चीज़ हो जाती है, बट नॉर्मल लाइक नहीं चलानी चाहिए, मतलब बॉडी को क्यों फालतू में स्ट्रेस देना। और अपन ने 140 कर लिया, बट वही था कि रात में अगर चला रहे हो ना तो पता नहीं चलता। अभी रुका था, मस्त सोचा कि एक जगह है यहाँ पे नलमपल्ली, तो यार यहाँ से 83-85 किलोमीटर्स और है और अपन फिर पहुँच जाएंगे सीधा एयरकॉट। एक नंबर चाय है सच्ची, मतलब चाय उतनी पीता नहीं मैं, बट लाइक हाईवे हाईवे पे कहीं ड्राइव पे जाओ
या राइट पे जाओ तो यार फिर तो चाय बनती है। तो यार क्या गजब चाय है, मतलब टेस्ट आ रहा है कि चाय की पत्ती का टेस्ट है ना। ज़्यादातर देखो ना तो बस वही दूध और ऐसे ही बना देते हैं, बट एक नंबर चाय। तो चलो चाय पीता हूँ थोड़ा सा, फिर चाय पी के आगे निकलता हूँ। क्या है ये सब, बाप रे। अभी तो थोड़ा सा ब्रेक हो गया, उधर देखना दिख रहा होगा, जब मैं रुका था तब तो गजब लग रहा था यार, बहुत सही। इधर का व्यू देखोगे, ओए 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 गजब, बहुत सही यार, बहुत पूरा आर्क बना हुआ था, मस्त मजा आ रहा। स्ट्रेट दिखा रहा है एयरपोर्ट, 23 किलोमीटर्स, और एक जूलॉजिकल पार्क है। तो अपन पार्क वार्क नहीं जा रहे यार, अपन चलेंगे सीधा। वो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ओए होए मज़ा आ गया, क्या सीन है। अपन सीधा भगाते हैं, बस वहीं पहाड़ों के पास चलना है। एयरकॉर्ड के ऊपर पहुंच चुके हैं, 20 हेयरपिन बैंड पूरा क्रॉस करा था, हालत ख़राब हो गई। और उसके बाद एक बहुत अच्छी जगह मिली, ये देखो, ये है कुरुंजी पार्क। यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों मिलता है। मैं तो वैसे इडली खाई, बहुत टेस्टी थी। तो अब चलते हैं सीधा करादियूर व्यू पॉइंट, और उसके बाद फॉल्स कवर कर लेंगे, फॉल्स और लेक। पहले सोचा यार अभी वेदर थोड़ा अच्छा है तो पहले व्यू पॉइंट चलते हैं। चलो भाई जय श्री राम, और चल देते हैं। बच गए यार, वहां पे तो बहुत ज्यादा स्लिपरी था, पता नहीं कैसे स्केट कर गई। चलो कोई नहीं यार, पता रहता है। आ गए करिदियो व्यू पॉइंट, बाकी हाँ बीच में पसर भी गए थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लाइक गाड़ी गंदी हुई है बट ऐसा कुछ डैमेज नहीं लग रहा, बस ये जो ब्रेक है ये ऊपर आ गया है, क्योंकि पूरी इस साइड पे बेंड हुई थी ना, तो ये ब्रेक है जो वो थोड़ा ऊपर आ गया है, वो तो चेक कराना होगा। बाकी यहाँ पे मैं कराऊंगा, उसी के बाद निकलूंगा, क्योंकि यार हिली एरिया, रिस्क नहीं ले सकते, और उसके बाद हाईवे पे जाना भी है, पता चले ब्रेक नहीं लगे अचानक से। तो यहाँ पे अभी चेक कराते हुए जाऊँगा, फिर अपन, पता नहीं गाड़ी कैसे स्लिप हुई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा ब्रेक नहीं था, मैंने ब्रेक नहीं लगाया है, और ऐसा भी नहीं कि लाइक मतलब किसी चीज़ से टकराई हो या तो स्पीड में थी। देखता हूँ घर पे जाके पता लगाऊँगा। यार अब समझ नहीं आ रहा कितना और वेट करूं, क्योंकि यहाँ पे तो लाइक क्लाउड्स जा ही नहीं रहे, 10-15 मिनट मैंने देखा, बस बढ़ते हैं फिर कम होते हैं फिर बढ़ते हैं, मतलब कुछ देख ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पे पूरा फेंस कर रखा है, वैसे अगर अपन फेंस नहीं होता ना तो यहाँ पे जा सकते थे, थोड़ा अच्छा लगता, बट अब क्या ही करें, कुछ नहीं कर सकते। अब चलो यार फॉल ही चलते हैं, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा मुझे, और लगता भी नहीं कि यहाँ पे कुछ व्यू दिखने वाला है, अनलेस सूरज बहुत ज़्यादा दिखने लग जाए या कुछ भी हो जाए। बट ये फॉग मुझे लगता नहीं है जाने वाला इतना आसानी से,
तो आई थिंक विंटर के टाइम पे या मानसून के टाइम पे यहाँ पे आना सही नहीं है। चलो थोड़ी देर देखता हूँ, वेट करता हूँ, फिर निकलता हूँ मैं फॉल्स की साइड। तो अभी मैंने बाइक चेक कराई, बाइक में कुछ ऐसा इशू नहीं है, बस ब्रेक थोड़ा सा बैंड हो गया था रियर ब्रेक का, तो वो तो चेक कर लिया है। बाकी एक बार और इनफील्ड के शोरूम जब यहाँ से लौटते टाइम चेक करवा लूँगा कि कोई इशू तो नहीं है। बाकी आपको अभी तो मैं किल्यूर वाटरफॉल जा रहा था, उससे पहले एक मुझे यहाँ की जो फेमस लेक है वो दिखी, तो मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा बड़ी नहीं बट छोटी सी है, बहुत प्यारी है, मतलब पीछे का हिल व्यू है ना वो मस्त आता है। तो सोच रहा हूँ सीधा यहाँ से वाटरफॉल जाता हूँ, फिर उसके बाद रॉयल इनफील्ड के शोरूम में जाके चेक करवाता हूँ एक बार, सब सही है तो फिर अपन घर निकलेंगे। बाकी यहाँ पे आपको बोटिंग के लिए उधर पे पार्किंग करनी होगी, उस साइड पे पार्किंग करके वहाँ जाना होगा, तो वहाँ पे आपको टिकट लेके फिर आप यहाँ पर मस्त जा सकते हो। नॉर्मल पैडल बोट है। तो आ गए अपन किल्यूर वाटरफॉल्स, यहाँ से बस लाइक पार्किंग के बाद 500 मीटर्स ज़्यादा से ज़्यादा वॉक है। बाकी कार पार्किंग के लिए यार नीचे जा सकते हैं, ये देखो कार पार्किंग वालों के लिए सही है यार। बाकी अगर आपकी बाइक है तो आपको ऊपर ही पार्क करना पड़ेगा और 15 रुपये बस। तो यार आवाज़ तो आ रही है यहाँ से ही अच्छी सी। बाकी चलो वाटरफॉल पहुँचता हूँ। हेलो, तो ये थी मेरी एयरकॉर्ड की राइड। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह भी हैं राइड, बेसिकली तो यार यहाँ पे राइड करने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि लाइक बहुत अच्छी कर्वी रोड्स हैं और एक लाइक बैंगलोर से दूर मस्त राइड भी हो जाती है। अब मैं यहाँ से घर के लिए निकलता हूँ, बट उससे पहले शोरूम चलता हूँ, पहले चेक कराता हूँ गाड़ी का कुछ इश्यू तो नहीं है, क्योंकि लाइक 240-250 किलोमीटर अपन को ड्राइव भी करना। बाकी ये मेरे पीछे आपको दिख ही रही होगी, ये यहाँ की एयरकॉर्ड की फेमस लेक है, तो यहाँ पे मोटर बोट और लाइक पैडल बोट वगैरह, तो आप फैमिली अपने ग्रुप के साथ आए फ्रेंड्स के साथ तो मस्त इन्जॉय कर सकते हो। तो चलो फिर नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं मस्त किसी एक बीच पे, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।